गोकुल करोड़ जी, बहुत जोरदार चने लगे हैं आपके डॉलर। कितने साल से बो रहे हैं आप? 15 साल हो गए। 15 साल से। कितने एकड़ के इसमें है? अभी 22 एकड़ में। 22 एकड़ में बोया, कितना हो जाता है एक एकड़ में? 10 से 14 बोरा तक निकाला जाता है। 10 से 14 बोरा 13 14 निकालते हैं। 10 क्विंटल 12 क्विंटल का हो सकता है। और ये 9 साढ़े 9 10 हजार क्विंटल बिकता है। 1 लाख की फसल एक एकड़ में हो जाएगी। पानी कितना दिया इसमें? इसमें एक ही पानी दिया है। एक पानी दिया पहले करके बोया था और दवाई दी। सिर्फ दूसरा स्प्रे अभी किया, एक स्प्रे पहले छोटे में किया था और अभी बढ़िया फसल लगी है। इतनी घीटियां लगी, अभी तो फूल पे और फसल आएगी। किसान भाइयों, हमने जो किसानों से आह्वान किया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कि किसान को फसल चक्र में परिवर्तन करना चाहिए। अगर एक एकड़ में गेहूं बोते तो चार पानी देना होता और 20 क्विंटल मैक्सिमम होते तो 40 हजार के होते। लेकिन ये 1 लाख के होंगे, एक पानी के अंदर है, तो इसमें लागत भी कम है, फसल भी अच्छी और रेट भी अच्छे, 2.5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो किसान की आर्थिक स्थिति जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसान की आय 2 गुना होना चाहिए, आपने 2 गुना करके दिखाई। गोकुल भाई, आपका हम अभिनंदन करते हैं और आपको बधाई। और इस प्रकार किसान भाइयों, फसल चक्र में परिवर्तन करिए और लागत कम हो, आमदनी अच्छी हो, ऐसी खेती करिए। ये हमारे गोकुल भाई ने करके दिखाया है। 22 एकड़ के अंदर चना है ये, 20 लाख से 22 लाख का चना होगा। तो 1 लाख रुपये एकड़। और इसमें लागत कितनी आएगी? इसमें लागत बहुत नॉर्मल, 2 स्प्रे किए हैं, बोनी करके और 2 पानी यहाँ पलेवा का और 1 पानी वैसा दिया। पेस्टिसाइड का खर्चा है और इतना भी नहीं है। इसमें आमदनी भी अच्छी, किसान की आय 2 गुना, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प आपने पूरा किया, 2 गुना 3 गुना आमदनी कमा रहे। बहुत बधाई, और हम सरकार आपके साथ है।